हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज मैं हूँ सोडा बॉटल ओपनर वाला के आउटलेट में। आपने कभी एग केजरीवाल का नाम सुना है? आज हम इस आउटलेट पर आए हैं बहुत सारी पारसी और ईरानी डिशेस के साथ साथ एग केजरीवाल को ट्राई करने के लिए। सोडा बॉटल ओपनर वाला बेसिकली सर्व करता है पारसी और ईरानी क्विजीन। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप कुछ अलग करना चाहें, स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट फूड, यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, देन यू मे लुक आउट फॉर दिस आउटलेट। दिल्ली एनसीआर में सोडा बॉटल ओपनर वाला के बहुत सारे आउटलेट्स हैं। इन आउटलेट्स के इंटीरियर के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पुरानी मुंबईया स्टाइल इंटीरियर को रिफ्लेक्ट करती है। एंड ऑफ कोर्स इनका खाना तो है ही ट्रेडिशनल पारसी ईरानियन स्टाइल का, साथ में कुछ फ्यूजन फूड भी इन्होंने ऐड किया हुआ है जो कि आप ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि वाओ, दिस इज़ सो ऑसम एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर फूड वी ईट आउटसाइड। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर स्पेशली आई हूँ, दैट इज़ द ईरानी चाय। दिल्ली में बहुत कम जगह ईरानी चाय मिलती है। ईरानी चाय बहुत डिफरेंट होती है क्योंकि इसको बहुत देर तक काढ़ा जाता है स्पेशल हर्ब्स के साथ, फिर गाढ़े दूध के साथ इसको सर्व किया जाता है। यहाँ मैंने दो चाय ऑर्डर की, पहली अ रेगुलर ईरानी चाय एंड द अदर वन वॉज द मसाला ईरानी चाय। चाय पीने का मुझे शौक बहुत है, इसलिए कह सकते हूँ कि दिस चाय इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू फाइंड इन एनी अदर रेगुलर आउटलेट। गर्मा गर्म चाय के साथ एक मुंबईया स्टाइल वड़ा पाव तो बनता ही है। दिस वड़ा पाव इज सर्व्ड विद फ्रेशली मेड बटाटा एंड सम हरी मिर्च का अचार। आजकल के रेस्टोरेंट्स ज़्यादातर ग्लैमरस और मॉडर्नाइज लुक देते हैं, पर ये आउटलेट आज भी ऐसा फील देता है जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस एरा हो। टू बी प्रिसाइज, यहाँ आकर एक विंटेज फीलिंग आती है। आज मैं नोएडा के DLF मॉल के सोडा बॉटल ओपनर वाला के आउटलेट पर हूँ। यहाँ के बाकी सारे डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ईरानी और पारसी जब इंडिया में आए थे तो फर्स्टली दे सेटल्ड इनटू गुजरात। इसी वजह से इनके खाने में गुजराती चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है। व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पर खाना आपको चटपटा या स्पाइसी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मीठे की तरफ मिलेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ का खाना कैसा होता है। इन्हीं लोगों की रिकमेंडेशन पर मैंने ऑर्डर किए कुछ बिस्किट्स। इनका कहना है कि दीज बिस्किट्स आर एवरीडे फ्रेशली मेड, स्पेशली देयर जिंजर बिस्किट एंड नान खटाई। आई ordered सम नान खटाई। लेट मी टेल यू, इतना सॉफ्ट और टेस्टी नान खटाई मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया। अगर आप इस आउटलेट पर आते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन पर चाय के साथ नान खटाई ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। वीडियो में मेरे साथ आगे तक बने रहें। मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताने वाली हूँ कि यहाँ पर आप ऐसा कौन सा डिश ऑर्डर कर सकते हैं जो अगर आप ख़त्म कर दें तो आपके लिए वो फ्री है। सोडा बॉटल ओपनर वाला के आउटलेट पर देर इज समथिंग एज एवरीडे स्पेशल, जो कि खास यहाँ के शेफ प्रिपेयर करते हैं। अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ आकर पारसी और ईरानी क्विजीन का स्वाद ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, ऑन एन एवरेज दो लोगों का खर्चा यहाँ पर 1700 से 1800 रुपए का होना चाहिए। पारसी डिशेज में से धानसाक
और ईरानी डिशेज में से बेरी पुलाव इज समथिंग यू शुड सर्टेनली ट्राई इफ यू कम टू दिस आउटलेट। इनका ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्विंग द फूड एस्पेशली सम ऑफ द डिशेज इन सच डिफरेंट बॉक्सेस इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। बेरी पुलाव का स्वाद काफी अलग था, थोड़ा सा मीठे की तरफ ज्यादा, लेकिन वेरी इम्प्रेसिव ड्यू टू द नट्स। मीठे में यहाँ का मलाई केक इज अ मस्ट ट्राई। अब थोड़ा बात करते हैं एग केजरीवाल के बारे में। एग केजरीवाल हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं रखता। कोई मिस्टर देवी प्रसाद केजरीवाल थे विलिंगटन क्लब मुंबई के, उनके लिए ये कस्टमाइज्ड बना करता था। खाने में इतना स्वाद होता था कि सोडा बॉटल ओपनर वाला ने इस डिश को अपने मेन्यू में ऐड कर दिया। स्पेशल ब्रेकफास्ट में ये आपको एग केजरीवाल मिलेगा, और जब आप इसको ट्राई करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये खाने में कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। उसके अलावा भी संजय दत्त का स्पेशल पनीर संजू बाबा भी इनकी मेन्यू में है। सल्ली बूटी इज समथिंग जिसके लिए ये आउटलेट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बात करते हैं एक चाय की। अगर आप इस चाय को पूरा पी सकें तो दिस टी इज फ्री फॉर यू। इसका नाम है चाय खड़ी चम्मच। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। स्पेशली मैं रेकमेंड करूँगी यहाँ की बेरी पुलाव, बोरी कीमा पाव और मावा केक। यहाँ का बढ़िया खाना खाकर और यहाँ रिव्यू लिखकर अब बारी है घर जाने की। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।